ओम शांति। आज 12/4/2024 12 अप्रैल 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, शिव बाबा का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाबा की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। मीठे मीठे बाबा के बच्चे, शिव बाबा का प्यार सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाबा की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। प्रश्न है, शिव बाबा ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? बाबा ने कौन सा, इस धरा पर आए तो बाबा ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? बाबा ने कौन सी जिम्मेदारी ली है अपने बच्चों की? उत्तर, सभी को गुलगुल मन फूल बनाकर वापस ले जाने का ठेका व ले जाने की जिम्मेदारी एक शिव बाबा की है। बाबा हर बच्चे को अपने फूल के समान गुणवान बनाकर अपने साथ शांति धाम और शांति धाम से सुख धाम की ओर ले जाते हैं। बाबा जैसा कॉन्ट्रैक्टर इस दुनिया में कोई और है नहीं, वही सर्व की गति करने आते हैं। शिव बाबा सर्विस के बगैर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। जैसे शिव बाबा इस विश्व की सेवा के बगैर रह नहीं सकते, ऐसे ही बाबा कहते हैं आप बच्चों की जिम्मेदारी भी है कि विश्व सेवाधारी बनकर इस विश्व की सेवा का सबूत जरूर देना है। सुना अनसुना नहीं करना, बाबा की श्रीमत को सुनकर अनसुना नहीं करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, रोज रात में पोता मेल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। रोज रात में अपना रजिस्टर चेक करना है कि इतने प्यारे प्यारे मीठे बाबा को हमने दिन भर में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। अब बाबा कहते हैं अपना शो करने के लिए नहीं कि ये मैंने रजिस्टर बनाया है, मैंने 4 घंटा बाबा को याद किया, 5 घंटा याद किया, नहीं। बाबा ने कहा गुप्त पुरुषार्थ करना है, किसी को बताना नहीं है कि हमने 5 घंटा किया, भले 2 घंटा किया और उसमें क्या लिखा हमने 5 घंटा किया। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना बच्चे, गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। दूसरा, शिव बाबा जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना, बाबा जो सुना रहे हैं उस पर विचार करना है। बाबा कहते सुना अनसुना नहीं करना, अंदर कोई भी अगर गुण है, अवगुण है, कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक कर कर निकाल देना है, कोई भी कमी कमजोरी है तो उसको निकाल देना है, वरदान है। वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव, राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के बैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भी है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसीलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में लगाव का झुकाव ना हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। राज ऋषि अर्थात बहुत साधन होने के बाद भी अगर आप उन साधनों से डिटैच होकर बेहद के वैरागी होते हो तो बाबा कहते हैं उसको कहते हैं राज ऋषि व तपस्वी। स्लोगन है, युक्ति युक्त बोल वह है, जो हम युक्ति से बोलते हैं, जो हम निर्धारित बोल बोलते हैं वो कौन से हैं? जिसमें मधुरता समाई हुई हो, जो मधुर हो और विश्व की हर आत्मा के प्रति शुभ भावना से संपन्न हो, वह युक्ति युक्त बोल है। आज के मूल से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूँ, शक्तियों का प्रकाश परम पिता परमात्मा शिव बाबा से निरंतर मुझ आत्मा में समा रहा है। होमवर्क करेंगे आज की मुरली से, बाबा को याद करने कितना देर हमने याद किया उसको हम बाबा कहते हैं ज़रूर उसको लिखना है। अब तो बाबा ने ये बहुत पहले कहा था कि आपको रजिस्टर रखना है, अब जैसा जैसा समय आगे बढ़ता जा रहा है बाबा ने कहा हमें हर संकल्प के साथ अटेंशन देना है। रजिस्टर के रखने के साथ साथ हमें हर संकल्प के साथ अटेंशन देना है कि कोई भी संकल्प हमारा किसी के प्रति व्यर्थ या निगेटिव या अशुभ तो नहीं है, उसको चेक करना है। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करके बैठेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान
शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें निकल कर मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझसे होकर चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर का वायुमंडल शांति से भर गया, चारों ओर का वातावरण शांत और पवित्र बनता जा रहा है। मेरे संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं शांति की गहन अनुभूति कर रही हैं। मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा से कंबाइंड होकर इस सृष्टि के कण कण को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। इस संसार से नफरत, ईर्ष्या, देश समस्त विकार शांत होते जा रहे हैं। तनाव से भरी आत्माएं, डिप्रेशन से भरी आत्माएं, भय से भरी आत्माएं, चिंताओं से भरी आत्माओं के मन शांति से भरपूर होते जा रहे हैं। मन शांत होते जा रहे हैं। मैं शांति दूत हूँ, मैं शांति के पुंज आत्मा। इस संसार में शांति परमात्मा शिव बाबा से लेकर शांति की किरणों को पूरे विश्व में फैलाती जा रही हूँ।